माँ का अवतरण भया है हिमांचल जी के घर में। नारद जी पहुंचे एक बार। हिमांचल जी ने नारद जी का पूजन किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया और कहा, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो, दोष गुण जो हो हमको बता दिए। नारद जी बोले, अरे कहमो नि बिहसी गूढ़ मृदु बानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हिमांचल जी बोले, दोष बताइए। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, दोष होगा तब न बताएंगे, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बताएं। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है का? बोले दोष है ना, लेकिन इनमें नहीं है, इनके दुल्हा में थोड़ा है। कहिए तो उनकर बतावे। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए, अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे, खूब विकराल जटाएं होंगी, जोगी होंगे। एकरी बाद वाला और खतरनाक है, बता दें। हिमांचल जी बोले, एहू से खतरनाक बकवल। हां क्या? नंगा रहेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, अमंगल रूप बना के घूमेंगे। हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है। आपकी बेटी को ऐसा ही पति प्राप्त होगा। असस्वामी यही कह मिली ही परिहस्त असिरे, हाथ की रेखा बता रही है। पार्वती मैया सुनी तो भीतर गदगद हो गई। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने दे दिया। क्यों? जितने लक्षण है सब हमारे बाबा में ही विद्यमान है, इसका मतलब बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हो। हिमांचल जी थोड़ा रोए और नारद जी को किनारे ले जाके बोले कि ये बताइए कि दुल्हा बदलने का कोई स्कीम रखे हैं आप, कोई उपाय जिससे दुल्हा बदल दिया जाए? नारद जी बोले, दुल्हा तो यही मिलेगा महाराज, लेकिन एक आपको बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं सारे लक्षण भगवान शिव में विद्यमान है, और यदि भगवान शंकर से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना, तो मैं कहता हूं केवल बेटी का नहीं आपके पूरे कुल का कल्याण हो जाएगा यदि भगवान शंकर से विवाह हो गया तो। आप अपनी बेटी से कहिए, जाकर तपस्या करें, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। नारद जी बोल कर गए। रात्रि में मां मैना हिमांचल जी से बोली। देखिए माई जी लोग क्या बोलत है, वही भाव मैना जी ने कहा। मैना मैया ने हिमांचल जी से कहा, सुनिए मेरी बात, यदि लड़का का कुल, लड़का का घर और लड़का, ये तीनों ठीक होगा तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब हिमांचल जी सुने कि बर के बारे में तो नारदे जी बता गए हैं, जोगी होगा, विकराल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, मंगल रूप बनाएगा, और लड़का का घरे नहीं है। अरे कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखलबा गौरा हथवा में इहे बार बार। लड़का कितना अलीबेला है तो नारद जी बता गए। घर खाली, घर के नाम पर खाली एगो बर बा,
बर जानते हैं, बर बर किसको कहते हैं? हाँ, बरगद। मैना जी कहीं लड़का सुंदर हुई तो ब्याह हुई। हिमांचल जी बोले कितना सुंदर, बहुत नारदे जी जानता रहन। लड़का के घर बहुत बढ़िया चाहिए। नारद जी बोले घर मतलब बर, बर के नीचे ही घर बा। हाँ, मैना जी बोली लड़का के कुल खानदान बढ़िया चाहिए। बोले कुल माई बाप जेके हये निखे के कुल कहां से हुई? जो जो मैंने यहां चौपाई है, जौ घर बर कुल होई अनुपा करिया विवाह सुता अनुरूपा। हिमांचल जी बोले देखिए नारद जी की बात असत्य नहीं होगी, नारद जी के वचनों पर विश्वास रखिए। नारद जी जो कही गए हैं वही वर प्राप्त होगा और बिटिया का मंगल होगा, नारद जी ने कहा है, आप चिंता न करिए। पार्वती मैया ने जाकर कठोर तपस्या किया है। आकाशवाणी भई आपकी मनोकामना पूर्ण भई भवानी जी। यहां देखिए आकाशवाणी ने पार्वती जी का नाम उमा नहीं कहा, शैलपुत्री नहीं कहा, पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? अस्ता पका हूं न की न आकाशवाणी ने पार्वती जी का नाम यहां पर भवानी कह के संबोधित किया। अभी पार्वती जी भवानी नहीं है। भवानी कौन? भव, भव यानी भगवान शंकर। भव की अर्धांगनी को भवानी कहते हैं, इसलिए हम लोग श्लोक में कहते हैं भवम भवानी सहितम। भवम यानी भगवान शंकर, अब भव की अर्धांगिनी भवानी यानी पार्वती, आप दोनों को सहितम नमामि। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, अर्थात आप भवानी बनेंगी, आप भव की अर्धांगिनी बनेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, सप्तर्षि मिले, वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हो गया मां सती के जाने के बाद, कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती तो कथा सुनते है, कहीं मुनियों को उपदेश करते, कहीं भगवान का गुणगान करते। एक दिन राम जी प्रकट भए और पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाई, बिस्तर सहित कृपा निधि। यहां दर्शन करिए, जिस समय भगवान शंकर के सामने राम जी पार्वती जी की कथा सुना रहे थे, शंकर जी मन में सोचने लगे जय हो प्रभु, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी उन्हीं पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं मुझे। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा भगवान शंकर से, बाबा कथा कैसी थी? शंकर जी बोले जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो दिव्य लगनी ही है प्रभु, दिव्य कथा थी। राम जी बोले इतनी सुंदर कथा आपको सुनाया हो, कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले जो आज्ञा करिए। तब राम जी ने कहा मेरी यही दक्षिणा है, मैं यही मांगता हूं, जाय विवाह हो शैल जही मांगे दे। मैं यही याचना करता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए।
शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु उचित नहीं होगा, फिर कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यहां पर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा है और सप्तऋषियों ने जाकर मेरी मां को अनेक प्रकार से लालच दिया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू प्रयास किया जाए कि जीवन में हमारी निष्ठा अपरिवर्तनीय बनी रहे। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपने आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।